हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया बनाते हैं। आज मैं जा रही हूँ राजमा का बहुत ही अच्छा डिश बनाने, जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। मैंने एक कटोरी के लगभग कटोरी से थोड़ा कम उबला हुआ राजमा लिया है। इसे मैं सबसे पहले मिक्सी जार में डाल करके इसे मिक्स ग्राइंड कर लूँगी थोड़ा सा। आप चाहे तो एक चम्मच पानी डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है। तो चलिए मैं इसे ग्राइंड करती हूँ। इधर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा दो से चार चम्मच के लगभग चावल लिए हैं। जब ये राजमा ग्राइंड हो जाएगा तो उसी में मैं ये भी डाल कर ग्राइंड करूँगा। मैदा है चार चम्मच के लगभग ही मैदा है। थोड़े से मैंने सूखे दो लाल मिर्च लिए हैं, चार पाँच लहसुन भी कलियाँ। अगर आपको अदरक पसंद हो तो आप अदरक भी डाल सकते हैं। तो चलिए ग्राइंड कर, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ राजमे को ग्राइंड कर लिए हैं। इस तरह से आप भी कर लें, थोड़े थोड़े पानी डाल करके। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ, चावल का आटा डाल रही हूँ और मैदा मैं डाल रही हूँ, जिसका मैंने मेजरमेंट आप लोगों को बताया है। अब आप इसमें मिर्ची डाल दें, मैंने आधे इंच के लगभग अदरक के टुकड़े लिए हैं, इसको डाल दें। दो से तीन चम्मच के लगभग आप इसमें दाल से पानी डाल दें इस तरह से, और इसका फाइन पेस्ट बना लें। आप देख सकते हैं मैंने फाइन पेस्ट बना लिए हैं। और आप बड़े से एक बाउल ले ले, उसमें इन सबको ट्रांसफ़र कर ले इस तरह से, बड़े पेस्ट को ट्रांसफ़र करें। अब उसके बाद में इसमें आप सारे मसाले मैं ऐड करूँगी, जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप चुटकी भर मिर्ची मैंने डाला है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं चुटकी भर ही मिर्च डाल रही हूँ। अगर तीखा पसंद हो तो आप अधिक भी डाल सकते हैं। गरम मसाला आधी चम्मच के लगभग डाल लें। सारे मसाले आप इसी तरह से ऐड करते जाएं। इस तरह से मैंने चुटकी भर करीब आधे चम्मच के लगभग मैंने ये डाला है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और मिर्च, और आप सफ़ेद नमक स्वादानुसार आप एक या दो चम्मच के लगभग आप ऐड कर सकते हैं। एक से डेढ़ चम्मच के लगभग मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लें अच्छे से स्पून की सहायता से। उसके बाद मैं क्या सर्व करूँगी और इसे फ्राई करूँगी। आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिला लिए हैं। अब मैं इसका जा रही हूँ बड़ा बनाने, गोल गोल शेप में इस तरह का। आप भी बनाते रहें और इसे तेज फ्लेम ना रखें, धीमा ही फ्लेम रखें। आप चाहे तो छोटा बनाए या बड़ा बनाए, आप जिस साइज में चाहे उस साइज में बनाए। और इसे थोड़ी देर पर जब ये अपने आप ऊपर उठने लगेंगे उसके बाद आप इसे पलट दें। आप देख सकते हैं इसी तरह से आप भी इसे पलट करके जो कि ऊपर से लाल होने तक थोड़ा सा इस समय फ्लेम को आप तेज कर लें, जिससे ये लाल हो जाए। फिर फ्लेम पर पहले डालें और जब हमें देखिए कितने अच्छे से ये फूल रहे हैं। इसी तरह से ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी होते हैं इसके पकौड़े। आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं। करने के लिए थोड़ा सा फ्लेम को आप तेज़ रखें इसी तरह से, और बहुत ही जल्दी बन भी जाते हैं, बहुत ही टेस्टी होते भी हैं। आप देख सकते हैं मैंने बड़े सारे बना लिए हैं गर्मा गर्म। आप भी इसे चाहे तो चटनी के साथ, सॉस के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, या ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लगते हैं खाने में। प्लीज़ आप लोग भी बनाएं और इसे इंजॉय करें। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।